नमस्कार फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने सीटेट से संबंधित कुछ जानकारी लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, मैं रोज़ डेली देख रहा हूँ कि सीटेट ऑफिशियल आंसर की आ गई है कि ये हो गया वो हो गया। इसके सिलसिले में आपके सामने एक वीडियो फिर लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद लगे तो लाइक करना फ्रेंड्स, और दोस्तों के साथ शेयर भी करना जो भी सीटेट एग्जाम दे चुके हैं। फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूँ, अभी ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से कोई जानकारी नहीं आई है। इसके बारे में आपको बता दूंगा क्या जानकारी आएगी। इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी लेते हैं, और आपको सीटेट के आंसर की किस तरीके से डाउनलोड करनी है और किस तरीके से रिजल्ट हमारा आएगा, सीटेट आंसर की पहले आएगी रिजल्ट बाद में आएगा, सारी जानकारी देते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चलिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, सीटेट का एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स को अब आंसर की का इंतजार है, क्योंकि आंसर की के बाद ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। आंसर की अभी भी जारी नहीं की गई है। जिन कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है वह सीटेट की आंसर की अपने अधिकारी वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर चेक करें। ये तो आपका पहला स्टेप है फ्रेंड्स। जब भी आंसर की आपकी आएगी मैं बता दूंगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि सीटेट की जो भी जानकारी आएगी मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड करा दूंगा। तो सीटेट की जो आंसर की आए, सबसे पहले आपको ctet.nic.in पर ही जाकर चेक करना है। कोई भी सोशल साइट पर जाके कोई चेक नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर एक आंसर की गई है फ्रेंड्स। तो मेरा ये मानना है कि आप जो है ctet.nic.in पर ही जाके अपनी जो आंसर की है चेक करें। तो सीटेट की जो आंसर की पिछले रिकॉर्ड के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि 15 से 20 दिन के भीतर आपकी जो आंसर की है वो जारी की गई थी फ्रेंड्स। इसलिए उम्मीद लगाई जा रही है कि सीटेट की जो आंसर की है 15 से 20 फरवरी के बीच में आने की संभावना है। 15 से 20 फरवरी की जो आंसर की है 15 से 20 फरवरी के बीच में आने की संभावना है। संभावना जताई जा रही है कि हालांकि सीबीएसई ने अभी तक ऐसी कोई बात नहीं कही है और ना ही ऐसी कोई जिक्र चलाई है कि सीटेट की तरफ से कोई डिक्लेयर डेट नहीं, तारीख को जो आपके आंसर की जारी की जाएगी मैं आपको बता दूंगा अगर उनकी तरफ से कोई भी आएगा। और भी थोड़ा और हम इस बारे में और थोड़ा मेंशन करते हैं। तो मैं फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो आपकी पहली बार आंसर की जारी की जाएगी वो आपकी फाइनल आंसर की नहीं होगी, और ना ही इसके आधार पर आपको रिजल्ट तैयार किया जाएगा। पहली आंसर की जारी होने के बाद वह कैंडिडेट्स को अगर किसी भी सवाल के जवाब पर कोई आपत्ति होगी तो वह उस पर वो विचार किया जाएगा, और कैंडिडेट्स को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और फीस के साथ ही आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया जाएगा। आंसर की पर मिली सभी आपत्तियों पर विचार करने के बाद फाइनल आंसर की जारी की जाएगी। रिजल्ट भी फाइनल आंसर की के आधार पर ही जारी किया जाएगा। जो आपकी फाइनल आंसर की आएगी लास्ट में, उसके आधार पर ही आपका जो रिजल्ट है वो घोषित किया जाएगा। उससे पहले जो आंसर की आएगी वो आपकी आंसर की जांचने के लिए किया जाएगा। अगर उसमें कोई आपत्ति पाई जाती है तो आप कैंडिडेट जो है उस पर आपत्ति लगाकर उसका जो भी शुल्क होगा उस शुल्क के जरिए से अपना आपत्ति दे सकते हैं। फिर उसके बाद उसके सुधार होगा, मेंशन होगा, फाइनल आंसर की जारी की जाएगी। चलिए थोड़ा और समझते हैं अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अभी तक आपका कोई क्लियर डेट नहीं है, ना आंसर की है और ना ही कोई उनकी तरफ से कोई जानकारी दी गई है। तो मैं आपको बता दूं, अगर सीटेट की तरफ से कोई भी जानकारी आएगी तो मैं बता दूंगा। और फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि सीटेट का जो आंसर की है अधिकारी वेबसाइट पर ही जाके चेक करें, ctet.nic.in पर। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो आप लोगों को तो मेरा वीडियो लाइक करना फ्रेंड्स, और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। अगर हमारा अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इंडिया लेवल की हर एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको बताता रहता हूं फ्रेंड्स, और क्लियर बताता हूं फ्रेंड्स। नमस्कार फ्रेंड्स, अगली वीडियो के माध्यम से फिर मिलेंगे आपसे।